हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में अपन घर बैठे बैठे कुछ न कुछ पढ़ाई करते रहे जो अपने लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो ये दोस्तों सीखते हैं। एक परीक्षा में 36% अंग्रेजी तथा 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं कुछ विद्यार्थी, तो 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों, इससे अपन गोला बना ले, है ना। तो देखो दोस्तों, ये तो अंग्रेजी के लिए हो गए, है ना, और ये हिंदी के लिए हो गए। अब क्या है, 10% तो दोनों में, 10% दोनों में, है ना, ये बीच का कॉलम 10% करेगा। अब पहला क्या है, 36% हिंदी अंग्रेजी में कितने 36% फेल होते हैं, तो 10 तो ये आ गए, बचे कितने 26%, है ना। अगर इधर कितने हिंदी में 26 है तो बचे कितने 16%। ठीक है, तो अपन जोड़ते हैं, 26 + 10 + 16 बराबर कितने हो गए। देखिए, 16 और 10 26 ने 26 52, ये 52% तो अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितने हुए, 100 - 52 = 48% उत्तीर्ण। कितनी देर में हो गया, 1 मिनट में सॉल्व हो गया, 48% उत्तीर्ण। सबसे पहले इसे कॉलम बना लो और पहले जो दोनों के बीच का लिखा हो बीच में लिख दो, दोनों में है वो संख्या बीच में लिख दो। और यहां कितनी है, ये 26 और 10 36 हो गए ना, और 16 और 10 26 इधर भी हो गए। हिंदी में कितने चाहिए, 26, तो 16 और 10 26। ठीक है, और अब इन तीनों संख्या को जोड़ लिया, 52 आए, 52 को 100 में से घटा लिया तो 48% जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। राम को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, यदि उसे 178 अंक मिलते हैं और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे कुल कितने अंक मिले, कुल कितने अंक, है ना, पूर्णांक कितने का था, परीक्षा कुल कितने अंकों की हुई। देखिए दोस्तों, उसको कितने अंक मिले, यानी एक्स, ठीक है, एक्स का 40%, ठीक है, एक्स का 40%। अब कितना मिला उसको, 178 तो मिल गए, है ना, वो 20 22 अंक अगर और मिल जाते तो पास हो जाता, ये 40% हो जाते। अगर 22 अंक और उसको मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, उसको 40% अंक उसके हो जाते, क्या हो जाते, ये अंक उसके हो जाते। तो अब कितना, ये दोनों जोड़ दो कितना होगा, 8 10 की सी पर आंसर लाया, 1 3 सी पर आंसर लाया, 1 ने 2, ये 200 अंक हो जाते उसके। और एक्स का 40% बराबर 200, तो एक्स बराबर 200/40 × 100/1, ठीक है ना, और 40 सेकंड, 40 × 5 = 200, और 100 × 5 = 500, ठीक है। कुल परीक्षा में कितना अंक है, 500 अंक है। अगर उसको कुल परीक्षा में कितना अंक होते हैं, उसके पूर्णांक है 500, तो दोस्तों उसको 22 अंक अगर वो लाता तो वो पास हो जाता, तो कुल अंकों के प्रति कुल अंक कितने हैं, 2500 अंक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक